Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is Poonam. आज हम लोग इस वीडियो में complete fundamentals of networking पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो पूरा networking जो भी computer networking होता है अच्छे से समझ में आ जाएगा और काफी आपके लिए helpful होगा। अगर मैं advanced networking पढ़ाऊंगी तो काफी उसके लिए helpful होगा। तो चलिए start करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग syllabus discuss करेंगे कि इसमें क्या क्या हम लोग cover करेंगे, उसके बाद हम लोग theory पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, जैसे नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, नोड किसको कहते हैं, पोर्ट किसको कहते हैं, प्रोटोकॉल्स किसको कहते हैं, आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, ये सब हम लोग सारा ही टर्मिनोलॉजी इसमें कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, जैसे सर्वर हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, ब्रिज हो गया, रिपीटर किसको कहते हैं, हब किसको कहते हैं, फायरवॉल किसको कहते हैं। वैसे तो नेटवर्क डिवाइसेस बहुत सारे हैं, बट जो इम्पोर्टेंट थे मैंने उसको लिया है, हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारा है डेटा ट्रांसमिशन मोड। जो भी हम लोग डेटा ट्रांसमिशन करते हैं उसके क्या मोड होते हैं, जैसे सिंप्लेक्स मोड हो गया, हाफ डुप्लेक्स हो गया, फुल डुप्लेक्स हो गया, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, जो हमारा नेटवर्क के टाइप्स कितने होते हैं, जैसे वैन हो गया, मैन हो गया, लैन हो गया, पैन हो गया, ये सबके फुल फॉर्म्स के साथ भी डेफिनेशन हम लोग इसको कवर करेंगे। उसके बाद हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी इन द सेंस ही हमारे नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या है, किस स्ट्रक्चर में हमारा नेटवर्क बना हुआ है, तो उसमें जैसे कि हमारा बस टोपोलॉजी क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, रिंग क्या होता है, मेश क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, एक हमारा ट्री भी होता है, तो इसको भी देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ नेटवर्किंग ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल ये पूरा नेटवर्किंग ही ओएसआई मॉडल होता है। अगर आपने ओएसआई मॉडल सीख लिया तो बिलीव में आपका सारा नेटवर्किंग कंप्लीट हो जाएगा, ओएसआई मॉडल ही सारा। जब हम लोग एडवांस नेटवर्किंग पढ़ेंगे इसे पूरा एक अच्छे से कवर करेंगे डिटेल में, बट अभी हम लोग इसमें बेसिक सीखेंगे। जैसे इसमें हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, सेशन लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर होता है, फिजिकल लेयर होता है, इसमें हम लोग पूरा बेसिक कवर करेंगे कि किसमें क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग थ्योरी पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, दो डिवाइसेस जब आपस में कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो डिवाइसेस नेटवर्क में है। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा डिवाइसेस वन है और डिवाइसेस टू है, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, दो डिवाइसेस या दो से ज्यादा भी कह सकते हैं, अगर वो आपस में कम्युनिकेट कर रहा है तो मतलब कि वो नेटवर्क है। तो आ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मल्टीपल कनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम दैट मे शेयर रिसोर्सेज। जब दो डिवाइसेस और दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में रिसोर्सेज शेयर कर पा रहा है तो मतलब कि वो नेटवर्क है। तो सिंपल लैंग्वेज में एकदम मैंने बताया है, आई होप आपको समझ में आया होगा नेटवर्क क्या है। यहाँ पे मैंने एक बेसिक एलिमेंट लिया है कम्युनिकेशन सिस्टम का कि जो भी हम लोग रिसोर्सेज शेयर करते हैं उसमें क्या क्या जरूरत पड़ता है। तो जैसे एक तो हमारा सेंडर होता है, हम लोग कुछ भी सेंड करने के लिए हमारा एक सेंडर होगा जो हम लोग सेंड कर रहे हैं, तो ये सेंडर हो गया, और हमारा एक रिसीवर होगा जो रिसीव कर रहा है हमारा डेटा को। तो जो भी हम लोग मैसेज सेंड कर रहे हैं, जिसको भी कर रहे हैं, तो एक सेंडर हुआ जो सेंड करने वाला सेंडर हो गया, और जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है वो हो गया हमारा रिसीवर, और जिसके थ्रू हमारा मैसेज जा रहा है, जिस चैनल के थ्रू जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम। जैसे यहाँ पे सेंडर क्रिएट्स एंड सेंड अ मैसेज, मीडियम कैरी अ मैसेज, जिसकी वजह से कैरी कर रहा है, जहां से कैरी कर रहा है मैसेज उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम। और एक होता है हमारा रिसीवर जो रिसीव आ मैसेज जो रिसीव करता है। तो बेसिक हमारा यही होता है, कोई भी रिसोर्सेज को सेंड करने का एक सेंडर की जरूरत है और एक चैनल जिससे हमारा मैसेज जाएगा, और दूसरा हमारा है रिसीवर का। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ये हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा एक जाल है, ये वर्ल्ड वाइड है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम लगाया, नेटवर्क में हम लोग क्या पढ़े थे कि दो कंप्यूटर या दो से ज्यादा कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहा है तो वो नेटवर्क में है, बट इंटरनेट की बात करते हैं ये वर्ल्ड वाइड होता है। जैसे हम लोग कुछ भी इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं तो वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, उसको कोई भी सर्च कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कि कोई भी कर सकता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो इंटरनेट हो गया, द इंटरनेट सम टाइम्स कॉल्ड सिंपली द नेट, ये एक बहुत बड़ा जाल है कह सकते हैं, इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। वर्ल्ड वाइड मतलब कि पूरे वर्ल्ड में इसका कनेक्शन रहता है, ये कोई भी एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इन विच यूजर्स एट एनी वन कंप्यूटर कैन, इफ दे हैव परमिशन,
गोट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी अदर कंप्यूटर। अगर उसको परमिशन दिया जाए तो वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं तो वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, हम लोग कुछ भी सर्च कर लेते हैं, कहीं से भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो वो हमारा हो गया इंटरनेट। नेक्स्ट है हमारा इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है कि जैसे हमारा एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ का एक मैनेजर है। वो मैनेजर चाहता है कि हमारे रिसोर्सेज सिर्फ हमारे कंपनी के एम्प्लॉय ही एक्सेस कर सके, तो वो क्या करेगा कि एक आईडी और एक पासवर्ड जनरेट करेगा और वो अपने एम्प्लॉय को शेयर कर देगा, तो उसके एम्प्लॉय उस आईडी और पासवर्ड के थ्रू उसके रिसोर्सेस एक्सेस कर सकेंगे। सिर्फ ये हो सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो सकता है, अदर कोई उसको एक्सेस नहीं करेगा, तो वो उसको कहते हैं हम लोग इंट्रानेट। एंड इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क कंटेन्ड विद इन एन इंटरप्राइज दैट इज यूज टू सिक्योरली शेयर कंपनी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग रिसोर्सेज अमंग एम्प्लॉय। एंड इंट्रानेट कैन ऑल्सो भी यूज फॉर वर्किंग इन ग्रुप्स एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ये ग्रुप्स में और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मैनेजर सिर्फ चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग देखे, रिसोर्सेस एक्सेस करें, उसको हम लोग कहते हैं इंट्रानेट। नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या है, वो इंट्रानेट के ही जैसा है। जैसे इंट्रानेट में क्या था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ही बस इम्प्लॉयज एक्सेस कर सकते हैं रिसोर्सेज, बट एक्सटर्नेट क्या होता है कि समटाइम क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, राइट। तो एक्सटर्नेट क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो उसके ब्रांच में हैं, ब्रांच वाले लोग हैं, वो भी एक्सेस कर सके। तो वे जस्ट इंटरनेट के जैसा कि उसमें भी एक आईडी पासवर्ड क्रिएट करेगा और ये सारे को शेयर कर देगा और फिर उस आईडी पासवर्ड के थ्रू रिसोर्सेज एक्सेस करेगा। तो एन एक्स्ट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क सिमिलर टू एन इंट्रानेट बट टिपिकली ओपन टू एक्सटर्नल पार्टीज सच एज बिजनेस पार्टनर्स सप्लायर्स की कस्टमर्स इटीसी। द मेन पर्पस ऑफ एन एक्स्ट्रानेट इज टू अलाउ यूजर्स टू एक्सचेंज डेटा एंड एप्लीकेशन एंड शेयर इंफॉर्मेशन। तो हम लोग एक बार पूरा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हमारा इंटरनेट क्या था, पब्लिक था, उसको कोई भी एक्सेस कहीं से भी कर सकता है, बट इंट्रानेट हमारा प्राइवेट है, जिसको हम लोग आईडी पासवर्ड देंगे वो वही एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है। और एक्स्ट्रानेट भी हमारा वही है, प्राइवेट। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि ये बस एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही शेयर कर सकते हैं, इसमें क्या कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ब्रांच हैं वो लोग को भी एक्सेस करवा सकते हैं। तो ये होता है हमारा एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट क्या है, इट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ये जो है नेटवर्क का भी नेटवर्क है, बट इंटरनेट क्या होता है कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इंटरनेट। ये इंटरनेट से डिराइव्ड है। जैसे अगर हमारा ये इंटरनेट है तो ये हमारा है इंटरनेट, ब्रॉडर होता है इंटरनेट हमारा। और एक्स्ट्रानेट है टू शेयर इंफॉर्मेशन विद सप्लायर्स एंड वेंडर्स टू मेक द यूज ऑफ पब्लिक नेटवर्क। ये जितने भी ब्रांच है उसको एक्सेस करवा सकता है। इंटरनेट हमारा ग्लोबली होता है और ये हमारा स्पेसिफिक टू एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। ये रिस्ट्रिक्टेड हो, जिसको रिस्ट्रिक्ट करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है। ये है रिस्ट्रिक्टेड एरिया अपॉन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सम ऑफ इट्स स्टॉक होल्डर और सो। ये हमारा इंट्रानेट है। इट इज पर्पस टू शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू द वर्ल्ड। इसका पर्पस होता है वर्ल्ड के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा होता है शेयर करना। तो ये डिफरेंसेस था इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे नोड। हम लोग नोड किसको कहते हैं, तो नोड आर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू आर नेटवर्क। दीज कैन इंक्लूड कंप्यूटर्स, सर्वर्स, प्रिंटर्स, राउटर्स, स्विचेज एंड अदर डिवाइसेस। हम लोग सारे जो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, उसको हम लोग नोड कहते हैं। उसके बाद हमारा पोर्ट। अ पोर्ट इज अ फिजिकल डॉकिंग पॉइंट यूज विच एन एक्सटर्नल डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। जहाँ से हम लोग कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं ना, वो उसको बोलते हैं हम लोग पोर्ट। उसके बाद हमारा है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होता है, कोई भी वर्क को करवाने के लिए, पर्टिकुलर वर्क को करवाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। जैसे हम लोग कॉलेज वगैरह जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता है, टाइम से जाना पड़ता है, तो वही हमारा होता है प्रोटोकॉल्स। अब प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट गवर्न हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर आर नेटवर्क। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोकॉल इंक्लूड TCP/IP, HTTP, FTP, ये सब हमारे प्रोटोकॉल्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा मैक एड्रेस और IP एड्रेस। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया
एक्सेस कंट्रोल और आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो हमारा मैक एड्रेस होता है वो लेयर टू एड्रेस होता है। जब हम लोग ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि लेयर वन लेयर टू क्या होता है। तो जो हमारा मैक एड्रेस होता है वो लेयर टू डिवाइसेस होता है, लेयर टू एड्रेस होता है, और जो हमारा लेयर थ्री एड्रेस होता है वो होता है आईपी। तो आईपी होता है हमारा लेयर थ्री एड्रेस। जो हमारा मैक एड्रेस होता है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जो मैन्युफैक्चर जब हमारा सिस्टम बन रहा होता है तभी उसके एड्रेस डिफाइन किए जाते हैं, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। बट जो हमारा आईपी एड्रेस होता है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं कभी भी। मैक एड्रेस को हम लोग फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। मैक एड्रेस जनरली हमारे कंप्यूटर का जो आइडेंटिटी होता है, यूनिक नंबर होता है, वो कहलाता है। उसको हम लोग फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। और जो हमारा आईपी एड्रेस होता है उसको हम लोग लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। जो हमारा मैक एड्रेस होता है वो 12 डिजिट का होता है, जो 6 पेयर में होता है, और ये सेपरेटेड होता है हाइफन में। जैसे यहाँ पे ये हाइफन दिया हुआ, ये सेपरेटेड होता है हमारा हाइफन में। और जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है, 32 बिट्स का होता है, ग्रुप इनटू 4 डेसिमल नंबर। ये 4 डेसिमल नंबर में होता है और ये होता है हमारा पॉइंट में। तो ये समझ में आ गया होगा अब मैक एड्रेस क्या होता है और आईपी एड्रेस क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेटवर्क डिवाइसेस है। तो बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं वैसे तो, बट जो भी इम्पोर्टेंट थे हम लोग उसको कवर करेंगे। तो पहला हमारा सर्वर है। सर्वर किसको कहते हैं? अ सर्वर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम और डिवाइसेस दैट प्रोवाइड अ सर्विसेज टू अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम। वैसे तो एक सर्वर हमारा डिवाइसेस भी होता है, बट सर्वर क्या होता है कि जो भी हमें सर्व करना, नाम से ही लग रहा है कि सर्व करना, तो जो भी हमें रिसोर्सेज सर्व कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वर। जैसे हम अपने कंप्यूटर को एक सर्वर बना ले, उस पे सारा डेटा हम लोग स्टोर करवाते हैं और वहां से हम डेटा को एक्सेस करें, तो वो भी हमारा सर्वर हो गया। तो जो भी हमें सर्व कर रहा है, जो भी हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वर। उसके बाद हमारा है राउटर। राउटर हमारा नेटवर्क डिवाइसेस होता है। जो द राउटर इज अ फिजिकल और वर्चुअल इंटरनेट वर्किंग डिवाइस दैट इज डिजाइन टू रिसीव एनालाइज एंड फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क में हम लोग जो भी डिवाइसेस को, जो भी रिसोर्सेज को शेयर करते हैं उसको वो एनालाइज करता है, रिसीव करता है और फॉरवर्ड करता है। किस रूट से हमारा डेटा जा रहा है, आ रहा है, ये सब वो एनालाइज करता है। तो ये हमारा राउटर हो गया। उसके बाद हमारा स्विच हो गया। तो स्विच क्या होता है कि आर नेटवर्क स्विच कनेक्ट डिवाइसेस इन आर नेटवर्क टू ईच अदर इनेबलिंग देम टू टॉक बाय एक्सचेंजिंग द डेटा पैकेट्स। ये भी डेटा को एक्सचेंज करता है, पर दोनों में डिफरेंसेस ये है, जो हमारा स्विच होता है वो लैन में होता है, इसकी कनेक्टिविटी लैन में होती है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क। और जो हमारा राउटर होता है वो लैन में भी कर सकते हैं, मैन में भी कर सकते हैं और वैन में भी कर सकते हैं। ये वाइड एरिया नेटवर्क मतलब ये पूरा ब्रॉडर टर्म पे होता है हमारा राउटर, और ये हमारा होता है स्विच जो होता है वो लोअर टर्म पे होता है, मतलब कह सकते हैं कि ये लैन में होता है। हम लोग लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, ये सब हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्क में पढ़ेंगे आगे। तो ये जो हम लोग समझ गए होंगे कि ये स्विच जो हमारा होता है वो लैन की कनेक्टिविटी में होता है, और जो हमारा राउटर होता है वो हमारा वैन की कनेक्टिविटी में होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा है ब्रिज। अब ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल सब नेटवर्क टू क्रिएट अ सिंगल नेटवर्क। ये ब्रिज क्या करता है कि जो बहुत सारे नेटवर्क हैं, अलग अलग नेटवर्क हैं, उसकी कनेक्टिविटी करवाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज। उसके बाद हमारा रिपीटर है। रिपीटर क्या करता है कि जैसे हमने अपने कैंपस में वाईफाई लगवाया, और ये थोड़ा मतलब कि बहुत दूर, तो बहुत बड़ा कैंपस है हमारा, तो यहाँ तक हमारा नेटवर्क नहीं पहुँच रहा है या फिर स्लो आ रहा है, तो इसके स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग बीच में क्या करते हैं, यहाँ पे रिपीटर लगा देते हैं। सो डैट हमारा इक्वल, मतलब कि यहाँ जो जो स्पीड यहाँ है हमारे नेटवर्क का, वही हमारा यहाँ पे भी रहे, तो हम लोग बीच में क्या करते हैं, रिपीटर लगा देते हैं। तो आ रिपीटर इज अ डायनामिक नेटवर्क डिवाइस यूज टू रिप्रोड्यूस द सिग्नल्स वेन दे ट्रांसमिट ओवर अ ग्रेटर डिस्टेंस सो डैट द सिग्नल्स स्ट्रेंथ रिमेन्स इक्वल। मतलब अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम लोग बीच में रिपीटर्स लगा देते हैं, सो डैट उसके सिग्नल्स इक्वल रहे। ये हमारा काम होता है रिपीटर का। उसके बाद हमारा है हब। हब क्या होता है? नेटवर्क हब इज अ नोड दैट ब्रॉडकास्ट दैट डेटा टू एवरी कंप्यूटर और इथरनेट बेस्ड डिवाइस कनेक्टेड टू इट। हब क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ही वर्क करता है, बट इसको हम लोग फुलिस्ट डिवाइस भी कहते हैं, हब को फुलिस्ट डिवाइस। बेसिकली ये ना स्विच के जैसा होता है,
बट ये क्या होता है कि स्विच हमारा फिल्टर करता है, अगर हमको पर्टिकुलर एक इंसान को हमें डेटा भेजना है तो वो एक इंसान को ही भेजेगा, बट हब क्या करेगा, ये सबको भेजेगा, जितना भी इससे कनेक्शन है ना, जितने भी कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है वो सबको भेज देगा, इसमें फिल्टरेशन नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग फुलिश डिवाइस भी कहते हैं। उसके बाद हमारा है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, एक सिक्योरिटी डिवाइस होता है, ये हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। आप अपने सिस्टम में देखिएगा, कंट्रोल पैनल में जाके वहां पे आपको दिख जाएगा, तो ये हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। तो ये क्या करता है, जो भी हमारे सिस्टम में इनकमिंग डेटा और आउटगोइंग डेटा, ये सब को ये एनालाइज करता है और हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। तो आप फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट नेटवर्क्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो ये हमारा फायरवॉल था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा ट्रांसमिशन मोड। डेटा ट्रांसमिशन मोड का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग कोई भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो उसके कितने मोड होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड क्या होता है, यूनिडायरेक्शन होता है, वो एक साइड से ही होता है, जैसे एक बार में एक ही बार हम लोग डेटा सेंड कर सकते हैं, जैसे या तो सेंडर सेंड कर सकता है या तो रिसीवर रिसीव कर सकता है, दोनों एक बार में कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब दोनों नहीं कर सकता है, या तो ये सेंडर सेंड कर सकता है या तो रिसीवर रिसीव कर सकता है। इट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच द फ्लो ऑफ डेटा इज यूनिडायरेक्शनल। इट मीन्स दैट द पार्टिसिपेंट्स कैन डू ओनली वन टास्क एट अ टाइम इन अ सिंगल डायरेक्शन। द रिसीवर कैन ओनली रिसीव द डेटा एंड नॉट सेंड इट एंड वाइस वर्सा। ये रिसीवर जो है वो सिर्फ रिसीव कर सकता है और सेंड नहीं कर सकता है, और जो सेंडर है वो सेंड कर सकता है रिसीव नहीं कर सकता है। जैसे इसके एग्जांपल्स की बात करें तो द कीबोर्ड, टेलीविजन, माउस। कीबोर्ड से हम लोग डेटा क्या करते हैं, सिर्फ इनपुट देते हैं, उसके अलावा तो हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, उधर से हमें कोई आउटपुट तो नहीं आता ना कीबोर्ड के थ्रू, हम लोग सिर्फ इनपुट दे सकते हैं। टेलीविजन हमें क्या होता है, आउटपुट सिर्फ हमें शो कर रहा है, हम लोग तो कुछ टेलीविजन को रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। माउस, माउस से क्या होता है, हम लोग इनपुट देते हैं, बाकी तो हमें कुछ नहीं आता है आउटपुट माउस के थ्रू। तो ये सब हमारा होता है सिंप्लेक्स मोड। नेक्स्ट है हमारा हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है कि जैसे हमारा ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ए सेंडर है और ये रिसीवर है बी, तो ये क्या करेगा, एक बार डेटा भेजा एक बारी में, फिर ये रिसीव करेगा और ये फिर रिप्लाई करेगा, तो एक बार में दोनों नहीं कर सकता, लेकिन एक बार में एक यहाँ पे वर्क करेगा, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम लगा रखा है। तो इट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच द फ्लो ऑफ डेटा इज बाई डायरेक्शनल। ये बाई डायरेक्शनल होता है बट एट अ टाइम, बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। जैसे इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो वॉकी टॉकी सेट, जैसे आप लोग आर्मी मैन को देखे होंगे कि एक बार वो बोलता है और फिर वो सुनता है, दूसरा फिर वो बोलता है फिर ये सुनता है, एक बार में एक ही कोई बोल रहा होता है, दोनों एक बार नहीं बोल सकते, वो सुनेगा ही नहीं। तो एक एग्जाम्पल्स इसका होता है हाफ डुप्लेक्स का वॉकी टॉकी। नेक्स्ट है हमारा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि सेम टाइम पे सेंडर सेंड भी करेगा और रिसीवर रिसीव भी करेगा, और रिसीवर सेंड भी करेगा और वो रिसीव भी करेगा। तो इट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच द फ्लो ऑफ डेटा इज बाई डायरेक्शनल। ये बाई डायरेक्शनल होता है। द डिवाइस कैन सेंड एज वेल एज रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली एट अ सेम टाइम। वो सेम टाइम पे सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। जैसे हम लोग टेलीफोन लाइन, जैसे हम लोग टेलीफोन पे बात करते हैं तो कर सकते हैं ना, जो भी हम लोग सुन भी रहे होते हैं और बोल भी रहे होते हैं। मोबाइल फोन्स आर कमेंडेबल। तो ये हमारा होता है फुल डुप्लेक्स। तो ये था हमारा डेटा ट्रांसमिशन मोड, हाफ डुप्लेक्स, सॉरी सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। इसमें वन डायरेक्शनल होता है, यूनि डायरेक्शनल एट अ टाइम, ये बाई डायरेक्शनल होता है बट एट अ टाइम, और ये होता है हमारा बाई डायरेक्शनल सेम टाइम। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के हमारे कितने टाइप्स हैं, जैसे हमारा वैन हो गया, मैन हो गया, लैन हो गया, पैन हो गया। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
लैंड का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और पैन का होता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो हम लोग चलिए डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या हमारा होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, लैंड क्या होता है और पैन क्या होता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट और कंट्री। ये जो वैन होता है ये सबसे लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क टाइप्स है, इससे बड़ा कोई नेटवर्क टाइप्स नहीं है। वैन जो होता है ये कह सकते हैं कंट्रीज के बीच में कनेक्टिविटी, या फिर वर्ल्ड वाइड भी कह सकते हैं या स्टेट कह सकते हैं। द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज वाइडली यूज्ड इन फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। इन सभी कनेक्टिविटी में हम लोग वैन का यूज करते हैं। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है कि दो लैंड के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब ये कह सकते हैं कि दो सिटी का कॉम्बिनेशन जो हमारा नेटवर्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैन, सॉरी मैन। वैन हमारा क्या था कि वाइड वर्ल्ड वाइड एरिया था, पूरे नेटवर्क जो भी हम लोग स्टेट कह सकते हैं कंट्री कह सकते हैं उसका कनेक्टिविटी। अगर दो सिटीज के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करवाना हो तो उसको हम लोग मैन में करते हैं। उसके बाद हमारा लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग बिल्डिंग के अंदर जो कनेक्टिविटी होता है वो होता है हमारा लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग और ऑफिस। कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग में एक ऑफिस में जो कनेक्टिविटी रहता है वो हमारा होता है लैंड में। इट इज लेस कॉस्टली एज इट इज बिल्ड विथ इन एक्सपेंसिव हार्डवेयर सच एज हब, नेटवर्क अडेप्टर एंड इथरनेट केबल्स। ये थोड़े मतलब कॉस्टली भी कम होते हैं, लेस कॉस्टली होते हैं। और द डेटा इज ट्रांसफर्ड एट एन एक्सट्रीमली फास्टर रेट इन लोकल एरिया नेटवर्क। इसका जो डेटा सेंड होता है बहुत ही फास्टर होता है। लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड हायर सिक्योरिटी, ये क्योंकि मिनिमम रेंज में होता है तो ये हायर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये हमारा था लैन। उसके बाद हमारा है पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क में कह सकते हैं कि पर्सनली जो डेटा हम लोग ट्रांसफर करते हैं, जैसे ब्लूटूथ से हम लोग कुछ भी शेयर करते हैं डेटा, तो क्या है पर्सनल एरिया नेटवर्क है। जैसे टीवी का रिमोट, ये ज्यादा दूर तक तो नहीं वर्क करेगा ना, ये आसपास के मतलब जो कनेक्टिविटी होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली इसके जो रेंज होते हैं वो 10 मीटर्स के होते हैं। तो ये हमारा था पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये पूरा टाइप्स था वैन, मैन, लैन और पैन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का क्या मतलब होता है स्ट्रक्चर। हमारा जो नेटवर्क का कनेक्टिविटी है वो किस स्ट्रक्चर में है। तो पहला हमारा होता है बस, उसके बाद है स्टार, उसके बाद हमारा रिंग, उसके बाद है मेस, उसके बाद है हाइब्रिड। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं कि किसमें क्या होता है। तो फर्स्ट वन इज बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी क्या होता है कि जैसे हमारा एक केबल होता है, इसको हम लोग बैकबोन भी कहते हैं या फिर केबल। और इससे हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बस टोपोलॉजी। तो इसमें एक डिमेरिट क्या हो जाता है, जैसे ये इसके सारे स्टेशन जो होते हैं वो ओपन रहते हैं, तो हम लोग एक डिवाइसेस को भी अगर शेयर करना चाहे ना डेटा तो ये सारे को शेयर कर देगा। तो ये इसके एक डिमेरिट कह सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी क्या होता है कि ये रिंग के जैसा बना हुआ रहता है, यहाँ पे एक डिवाइसेस लगा हुआ है, यहाँ पे एक डिवाइसेस लगा हुआ है, यहाँ पे एक डिवाइसेस लगा हुआ है। तो इस तरह से इसकी कनेक्टिविटी रहती है। और ये क्या होता है कि क्लॉक डायरेक्शन जो हमारा घड़ी का होता है, क्लॉक डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में डेटा शेयर करता है। जैसे अगर इस डेटा से मैं इसको शेयर करना है तो ये इस डायरेक्शन में शेयर करेगा, ये पहले इसको करेगा फिर ये इसको करेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकता है, ये इसको करेगा फिर ये इसको करेगा। अगर इसको सेंड करना है तो ये इसको करेगा, ये इसको करेगा फिर ये इसको करेगा। तो इस तरह से लोग रिंग टोपोलॉजी में डेटा को शेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है कि बीच में हमारा एक डिवाइसेस होता है, नेटवर्क डिवाइसेस, जो शेयर करता है डेटा को, और इससे कनेक्टेड होते हैं हमारे सिस्टम। तो ये हमारा हब हो सकता है, स्विच हो सकता है। तो ये क्या होता है हब, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये फुलेज डिवाइसेस होता है।
अगर हमने एक सिस्टम को भी अगर हम चाहे कि डेटा को सेंड करें तो ये नहीं करेगा, ये सारे को कर देगा। बट हमारा जो स्विच होता है वो इंटेलिजेंट डिवाइसेस इसको बोलते हैं, अगर हम चाहे इसको सिर्फ सेंड करना तो इस डेटा को सिर्फ ये इसको ही सेंड करेगा, बाकी ये किसी को सेंड नहीं करेगा। तो ये हमारा होता है स्टार टोपोलॉजी। बीच में एक हमारा डिवाइसेस होता है शेयर करने वाला, और इससे हमारे कनेक्टेड रहते हैं सारे नेटवर्क, इसमें लैन में कह सकते हैं, वैन में कह सकते हैं, और फिर इसके थ्रू हमारा डेटा शेयर होता है। तो ये था हमारा स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी क्या होता है, ये सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये चाहे इसको इससे डायरेक्ट सेंड कर सकता है, इसको इससे डायरेक्ट सेंड कर सकता है, इसको इससे डायरेक्ट सेंड कर सकता है। तो ये होता है मेश टोपोलॉजी हमारा। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। जब दो दो नेटवर्क टोपोलॉजी को मिला देते हैं हम, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजी नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये सारा हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी था, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड लास्ट हमारा एक टॉपिक बचा है ओएसआई मॉडल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इंटरकनेक्शन। तो ये सारे लेयर में होते हैं, ये कुछ इस टाइप से होते हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, उसके बाद हमारा है फिजिकल लेयर। तो ये हमारा हो गया सेंडर साइड, और सेम ऐसा ही होता है हमारा रिसीवर साइड। तो इधर से लेयर वन हो गया, ये सेंडर साइड से लेयर वन ये हो गया, और रिसीवर साइड से लेयर वन ये हो गया फिजिकल लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, जैसे हमारा जो भी एप्लीकेशन होता है वो हमारा प्रेजेंट रहता है एप्लीकेशन लेयर पे, जैसे हमारा HTTP, ईमेल, जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड है वो हमारा सारा होता है एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। उसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर कह सकते हैं डेटा का ट्रांसलेशन करता है, ट्रांसलेशन। प्रेजेंटेशन लेयर पे ही इंक्रिप्शन होता है और डिक्रिप्शन होता है। जैसे हमने कोई लैंग्वेज ऐसा टाइप किया है कि जो समझ में ना आए तो वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, डेटा का ट्रांसलेशन करता है, इंक्रिप्शन करता है, डिक्रिप्शन करता है, कंप्रेशन करता है, ये सब जो हमारा वर्क होता है वो हमारा होता है प्रेजेंटेशन लेयर पे। उसके बाद हमारा है सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में सेशन क्रिएट करता है। जैसे हम लोग के फोन पे OTP आता है तो क्या होता है, वो एक तरह से सेशन क्रिएट है, वो कुछ टाइम तक ही रहता है, उसके बाद हमारा वो वैलिड नहीं रहता है। तो सेशन लेयर क्या करता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। उसके बाद है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या वर्क करता है कि जैसे हमारा डेटा सेंडर ने जो सेंड किया वो किस तरह से पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद है हमारा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर किस नेटवर्क से, किस किस नेटवर्क से होकर हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जा रहा है सेंडर से रिसीवर तक, वो हमारा वर्क करता है नेटवर्क लेयर। उसके बाद हमारा डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक लेयर जो नोड टू नोड डिलीवरी करवाता है, नोड टू नोड, ये डिलीवरी रिस्पॉन्सिबल रहता है कि नोड टू नोड मतलब कि सिस्टम टू सिस्टम डिलीवरी करवाता है, हमारा डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल रहता है। उसके बाद हमारा फिजिकल लेयर है, जो यहाँ पर फिजिकल डिवाइसेस होते हैं वो सब वर्क करते हैं, जैसे केबल हो गया,
केबल में कोएक्सियल केबल हो गया, RJ45 केबल हो गया, मतलब जितने भी अडेप्टर होते हैं वो हमारा सारा वर्क करता है फिजिकल लेयर पे। तो ये बेसिक था OSI मॉडल। हम लोग एडवांस जब नेटवर्किंग लाएंगे कोर्स तो उसमें पूरा डिटेल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी काफी करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा बेसिक नेटवर्किंग। मैंने कोशिश करी है सारे को डिटेल में बताने की। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।